गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम भुवनेश शर्मा, मेरे साथ सुष्मिता मैम। आज हम क्लास 9th सब्जेक्ट गणित प्रश्नावली 14 सांख्यिकी भाग फर्स्ट पढ़ेंगे। शुरू करें। आंकड़े डाटा, एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए तथ्यों या अंकों को आंकड़े कहते हैं। आंकड़े के प्रकार, प्राथमिक आंकड़े, एक निश्चित उद्देश्य रखकर सूचनाओं को एकत्र करना। दूसरा, गौण आंकड़े, पहले से एकत्रित आंकड़े का प्रयोग किसी दूसरे के द्वारा अन्य संदर्भ में करना। समझ आ गया? परिसर, आंकड़ों के अधिकतम और न्यूनतम मानों के अंतर को आंकड़ों का परिसर कहते हैं। परिसर बराबर आंकड़ों का अधिकतम मान माइनस आंकड़ों का न्यूनतम मान। समझ आ गया? सांख्यिकी, आंकड़ों का संग्रह, प्रस्तुतिकरण व विश्लेषण के साथ साथ अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकालना। समझ आ गया? प्रश्न नंबर एक, एक विद्यालय में कक्षा 9 के 10 छात्रों का भार किलोग्राम में निम्नलिखित है। उपर्युक्त आंकड़ों को बारंबार सारणी में निरूपित कीजिए। सॉल्यूशन, सबसे पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखते हैं, उसके बाद बारंबारता सारणी बनाते हैं। देखो, भार किलोग्राम में, छात्रों की संख्या बारंबारता 32, कितनी बार है? एक बार, एक लिख देंगे। 33 कितनी बार है? दो बार, दो लिख देंगे। 34 कितनी बार है? चार बार, चार लिख देंगे। 35 कितनी बार है?
एक बार एक लिख देंगे, 36 कितनी बार है, दो बार दो लिख देंगे। समझ आ गया? प्रश्न नंबर दो, तीन सिक्कों को एक साथ 30 बार उछाला गया, प्रत्येक बार चित हेड आने की संख्या निम्न है। ऊपर दिए गए आंकड़ों के लिए एक बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। सॉल्यूशन, सिरों की संख्या, बारंबारता। 0 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 लिख देंगे। 1 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 लिख देंगे। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 लिख देंगे। 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 5 लिख देंगे। सबका योग निकालेंगे कितना आया, 30। समझ आ गया? लिख लोगे? प्रश्न नंबर 3, एक परीक्षा में कक्षा 9वीं के 30 छात्रों के प्राप्तांक निम्नलिखित है। इन प्राप्तांकों में से 10 वर्ग अंतराल वाले 5 वर्गों की बारंबारता सारणी बनाइए। कैसे बनाएंगे? देखो, प्राप्तांक बारंबारता f, जीरो से 10 कितनी संख्या है? देखो, 1 2 3 4 5 6 6 लिख देंगे। 10 से 20 कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 6 लिख देंगे। 20 से 30 कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लिख देंगे। 30 से 40 कितनी संख्या है? देखो, 1 2 3 4 5 6 6 लिख देंगे। 40 से 50 कितनी संख्या है? 1 2 3 4 4 लिख देंगे।
सबका योग निकालेंगे, कितना आया? 30। समझ आ गया? प्रश्न नंबर 4। एक राज्य के विधानसभा चुनाव में विभिन्न पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे दिए गए हैं। राजनीतिक पार्टी ए 1, 2, 3, 4, 5 जीती गई सीटें 75, 55, 37, 29, 10, 37। उपरोक्त को दंड आरेख में दर्शाओ। देखो एक एक कितने पर है? 75 पे। समझ आ गया? बी कितने पर है? 55। सी 37, डी 29, ई 10, एफ 37। समझ आ गया? लिख लोगे? प्रश्न नंबर 5। निम्न बारंबारता सारणी का आयत चित्र बनाओ। वर्ग दिए हुए हैं और उनकी बारंबारता दी हुई है। कैसे बनाएंगे? देखो 0 से 5 कितनी बारंबारता है? 10। 5 से 10 कितनी बारंबारता है? 20। 10 से 15 कितनी बारंबारता है? 30। 15 से 20 कितनी बारंबारता है? 10। 20 से 25 कितनी बारंबारता है? 40। समझ आ गया? लिख लोगे? प्रश्न नंबर 6। निम्न बारंबारता बहुभुज के लिए आयत चित्र की सहायता से बारंबारता बहुभुज का निर्माण कीजिए। वर्ग अंतराल और उनकी बारंबारता दी हुई है। कैसे बनाएंगे? देखो सबसे पहले 0 से 5 बारंबारता कितनी है? 1। 5 से 10 2। 10 से 15 4। 15 से 20 6। 20 से 25 5। अब हम सबसे पहला वर्ग अंतराल
जीरो से पांच से एक पहले वर्ग अंतराल, जीरो से माइनस पांच लेते हैं। अब इनका मध्य बिंदु लेते हैं। मध्य बिंदु को मिलाते हैं तो एक बहुभुज बनता है। नाम ओ ए बी सी डी ई एफ जी। समझ आ गया? अभ्यास प्रश्न, प्रश्न नंबर एक, 20 विद्यार्थियों के प्राप्तांक निम्न प्रकार हैं। इन आंकड़ों का परिसर R क्या है? निम्नलिखित बारंबारता सारणी के बारंबारता बहुभुज की रचना करो। वर्गंतराल और उनकी बारंबारता दी हुई है, लिख लोगे? ओके, थैंक यू।